ओके, आवर टुडे चैप्टर नेम इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड दिस इज क्लास 8 चैप्टर एंड टू कॉन्सेप्ट आई विल डिस्कस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर? फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट एंड स्क्वायर प्रॉपर्टीज, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. नाउ द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर विल हैव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट एंड आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंट मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मीनिंग बात करते हैं. देखिए, वेन एवर द वर्ड स्केयर, जब भी आपने वर्ड स्केयर सुना होगा, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज दिस फिगर, रेक्टेंगल एंड स्केयर. एंड इफ यू रिमेम्बर, देन दिस फिगर एरिया इज साइड इन टू साइड. आई होप इन लोअर क्लासेज यू हैव डन. यानी कि यहां पे अगर आप नोट करो तो साइड की पावर 2 था. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केयर हियर? स्केयर मीन एनी नंबर पावर 2. और इन अदर वर्ड्स, इफ आई विल से ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, उसको स्केयर कहते हैं. भाई 3 का स्केयर क्या होगा? 3 इंटू 3 9, 4 का स्केयर 4 इंटू 4 16. सो स्केयर मीन पावर 2. आई होप यू आर क्लियर. अगर मैं नेगेटिव नंबर का लेता हूं, -3 का स्केयर लेता हूं, तो -3 का स्केयर मीनिंग हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -3 और आंसर हो जाएगा प्लस का 9. आई होप स्केयर मीनिंग क्लियर. नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्क्वायर मीनिंग इज कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. ओके, सो परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन मैं बताता हूं. ए नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल नंबर. सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, परफेक्ट स्क्वायर इन नंबर को कहते हैं, 1 को, 4 को, 9, 16, 25. परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो किसी का स्क्वायर करने पे आते हैं, 36, 49. यानी कि अगर मैं कहूं कि भाई 36 परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें एक नंबर मिलना चाहिए जिसकी पावर 2 करने पर 36 आए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है. नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 64 81 100. सो आई होप परफेक्ट स्क्वायर. अगर मैं आपसे पूछूं इज 24 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, वेल 24 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, आंसर आप लिख दोगे नो. अगेन, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको एक्सप्रेस मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आए. इट इज क्लियर विद द परफेक्ट स्क्वायर. नाउ लेट्स स्टडी मोर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर. कैसे पता करें कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? हाउ टू चेक वेदर गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? ओके, मेथड विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आई थिंक यू हैव लर्न इन क्लास 7th और 6th. प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है डिवाइड बाई प्राइम नंबर, डिवाइड बाई प्राइम नंबर. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन है कि भाई चेक करो वेदर दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. ये चेक करना है. सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया, 2 से, 242 आया. फिर अगेन 2 से डिवाइड किया, फिर ये 121 2 से नहीं जा रहा था, तो मैंने नेक्स्ट नंबर क्या ले लिया, 11 से डिवाइड किया. 121 को 11 से डिवाइड किया तो 11 आया. तब तक यानी कि व्हेन आई विल गेट 1 आई विल स्टॉप माय डिवीजन पार्ट. ओके, सो आई विल एक्सप्रेस. देखिए 2 इट इज कमिंग 2 टाइम्स, मैंने इसको दो बार लिख दिया है, और 11 इज ऑल्सो कमिंग 2 टाइम्स, टू 11 को भी 2 टाइम्स. नाउ 2 इज फॉर्मिंग ए पेयर, 11 इज ऑल्सो फॉर्मिंग ए पेयर. व्हेन देयर इज ए कंप्लीट पेयर ऑफ फॉर्मेशन, उस केस में आंसर होगा यस, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर कंप्लीट पेयर बने. एग्री? एक और केस ले लेते हैं, जैसे ये केस 648 नंबर है, ये ले लेते हैं. जब मैंने इसको प्राइम नंबर में एक्सप्रेस किया, आई कीप ऑन डिवाइडिंग, जब तक डिवाइड करता रहा जब तक 1 आए, तो यहां पे मैंने नोट करा 2 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स आया. तो 2 का पेयर एक तो पेयर बन गया, 3 जो है वो 4 टाइम आया, तो 3 के पेयर 2 बने, 1 पेयर और 1, दिस इज द सेकेंड पेयर, दिस इज विदाउट एनी पेयर. अगर पेयर नहीं बने तो जो 648 नंबर है, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. रीजन क्या दोगे आप? क्योंकि ये इसका पेयर ही नहीं बना, तो आप लिखोगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर. प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको ये पता लग जाएगा वेदर द गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑन. उसका पेयर बना लीजिए, सेम नंबर का पेयर बनना चाहिए. आई होप ये क्लियर विद हो आपको. अब मैं एक नई चीज कर रहा हूं इस वीडियो में, हर कंसेप्ट के बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको लिख देता हूं. ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, देन ओनली यू विल प्रोसीड फर्दर. करेक्ट? नेक्स्ट ले लेते हैं. देखिए 4th, अब प्रॉपर्टीज मैं इस तरह से पढ़ाता हूं कि आप भूलोगे नहीं. प्रॉपर्टीज,
कहता है भाई इवन नंबर का स्केयर इवन आता है या ओड आता है। देखिए डिसीजन लेने से पहले ना किसी नंबर का स्केयर करके देख लीजिए। इवन का स्केयर करा तो ई सिक्स इवन है, 36 ये भी इवन आया, यानी कि आपने खुद ही निकाल दिया इवन का स्केयर इवन आएगा। कोई आपसे पूछे ओड का स्केयर, सो बिफोर यू टेल द आंसर कोई भी ओड नंबर ले लीजिए। 5 लिया आपने, उसको स्केयर करके देखिए 25, इट इज ए ओड नंबर। मीन ओड नंबर का स्केयर ओड आता है, आपने यहाँ पे लिख दिया ओड नंबर स्केयर इज ओड। नेगेटिव नंबर का स्केयर, आई होप ये हमने इंटीजर में भी पढ़ा था, अगर किसी की भी पावर इवन हो ना तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो यहां पे पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताता हूं। कहता है स्केयर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर भी ओड नंबर, ये बताओ कि इनमें से किसका स्केयर ओड आएगा। देखिए ये ओड है ना, तो ओड का स्केयर भी ओड होगा, सीधा लिख दीजिए ओड। ये इवन है तो इवन का स्केयर करोगे, यानी कि 2862 का स्केयर करोगे ना, तो जो भी आंसर आएगा ना वो आंसर इवन आएगा। क्यों? बिकॉज हमने अभी पढ़ा है इवन का स्केयर इवन होता। आई होप यू विल डू योर ओन, दिस इज इजी वन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ले लेते, सबसे इंपॉर्टेंट आगे, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में ये क्या कह रहे हैं, कहता है भाई परफेक्ट स्केयर है ना नेवर एंड विद 2, 3, 7, 8। कहता है कोई भी परफेक्ट स्केयर है ना उसके एंड में कभी भी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4, 7। एक एग्जाम्पल देता हूं, देखिए यहां पे आपने नोट करा जितने भी, दीज आर द परफेक्ट स्केयर 1, 4, 9, 16, 25, इनमें कभी पे भी लास्ट डिजिट में 2 नहीं है, लास्ट डिजिट में 3 नहीं है और लास्ट डिजिट में 7 नहीं है, राइट? और आपने नोट करा देखिए इसमें भी लास्ट डिजिट में 9 है, तो आई थिंक दिस इज ट्रू व्हाट इज रिटन हियर। अब बात करते हैं कि क्या लास्ट में 4 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? आंसर इज नो, नहीं बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर 4 आने पे नहीं बनेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर 4 डजंट कंप्लाई दिस वन। ओके, नाउ 4 आए तो कंपलसरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। एग्जांपल देता हूं आपको, 34 ले लीजिए, जरूरी नहीं कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही हो। ओके, ये कंफर्म है इफ लास्ट डिजिट इज 2, 3, 7, 8, नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन भी आएगा, देखिए आप यही एक नीचे क्वेश्चन दे रखा है, कहता है फॉलोइंग आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, रीजनिंग देनी है। आप क्या रीजनिंग दोगे भाई, 7 है लास्ट में तो आप लिखोगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्योंकि आपने थोड़ी सी देर पहले ही पढ़ा है कि ए परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड विद 2, 3, 7, 8। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे पढ़ते हैं, कहता है परफेक्ट स्क्वायर के एंड में ना ओड नंबर ऑफ जीरोज नहीं आएंगी। ओड नंबर का मतलब कभी 1 0 और कभी 3 0 और कभी 5 0, यानी कि ऐसे नहीं आएंगी। आप खुद ने देख लीजिए, आपको यहां पे क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे 2 0 है लास्ट में और यहां पे भी 2 है, 1 0 कभी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन यहां देखिए, इज इट ए परफेक्ट स्क्वायर, आप बोलोगे नो, बिकॉज यहां 3 0 आई हैं, सो आंसर विल बी नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 3 0 आर देयर। यहां पे 1 0 आया है, अगेन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, कहते हैं भी परफेक्ट स्क्वायर है ना वो कभी, उसको अगर 3 से डिवाइड करोगे ना तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। सबसे अच्छी बात पता क्या है, चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, मैंने एक लिया 36, 36 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 1 3, 3 2 6, देखिए रिमाइंडर 0 आया, आई थिंक ये बात स्टेटमेंट सही है। फिर एक और नंबर ले लेते हैं, ओके आई विल टेक 121 ले लेता हूं, मैंने 121 को 3 से डिवाइड किया, 3 4 12, अब देखिए 1 रिमाइंडर बचा है यहां पे, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि व्हेन यू विल डिवाइड ए परफेक्ट स्क्वायर बाय 3, रिमाइंडर इधर विल बी 0 और 1। आई होप दिस इज यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा फेवरेट है, क्या है, कहता है भाई सम ऑफ ओड नंबर, एन ओड नंबर है ना उनको, अब शॉर्टकट तरीका उनका सम निकालने का है कि एन स्क्वायर कर दो। ये एन स्क्वायर मुझे कभी समझ में नहीं आया, सिंपल है, मुझे बताता हूं भाई, ओड नंबर है ना इनको ऐड करना है ना, कितने ओड नंबर है, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर कर दो, इसका आंसर पक्का 16 आएगा।
दूसरे मेथड से देखें, इनको ऐड करते हैं, 1 + 3 = 4, 4 और 5 = 9। देखिए इनको लेमैन मेथड से भी करा तो सम 16 आया। देखिए एक और मैं आपको समझाता हूं ये क्या कहना चाहता है। ये कहता है अगर आपके पास ओड नंबर है, देखो स्टार्ट विद वन होना चाहिए। दिस मेथड और ट्रिक कभी कब काम करेगा, जब वन से स्टार्ट है। ये आपने एडिशन करा इसको, राइट, 1, 3, 5, 7, 9। देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कहता है विदाउट एडिंग इनका सम निकालो। शॉर्टकट ट्रिक का क्या है कि कितने नंबर हैं यहां पे, 5 नंबर हैं, तो आंसर होगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब सिमिलरली आई होप ये आप खुद कर लोगे, ये दोनों में क्लास वर्क कर देता हूं। एक क्वेश्चन आ गया उसका बिल्कुल रिवर्स, कहता है 49 है ना, इसको एक्सप्रेस करो सम ऑफ 7 ओड नंबर। तो व्हाट आई विल डू, पहला ओड नंबर 1 हो गया, दूसरा ओड नंबर, यानी कि आई विल राइट कंटिन्यूसली 7 ओड नंबर, 3 हो गए यहां तक, 7, 9, 11। देखिए टोटल मैंने यहां पे और 13, 7 ओड नंबर लिख दिए और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया। ये अगेन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, दिस इज इजी। Now let's go for the next one. देखिए now इस एक्सरसाइज में मैंने क्या किया, दो तीन बुक से क्वेश्चन लिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कहता है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द स्केयर्स। स्केयरिंग नहीं करना, बिना स्केयर करने मैंने एक लाइन देखी, आपने यहां पे क्या लिखा हुआ है नोट्स में, ये मैंने एक नोट्स आपको क्या दिया है कि भाई 1 का स्केयर भी 1 आता है लास्ट में और 9 का भी, राइट, और 2 का स्क्वायर भी 4 देता है लास्ट, वंस प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, और 8 का भी। आई होप ये पेयर बनाया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, लेट मी शॉर्टकट, मैं एक काम करता हूं, 1, 2, 7, 9, 6 है ना, आपसे पूछा है कि राइट द लास्ट डिजिट, हियर 6 इज द लास्ट डिजिट, 6 × 6 कर दीजिए, व्हाट इज कमिंग 36, तो हमारा लास्ट डिजिट जो भी आंसर आएगा ना वो 6 होगा। एक और कर लेते हैं, ये मैंने करा था 9th वाला, अब मैं एक काम करता हूं, लेट मी डू दिस वन, 7th वाला कर लेता हूं। देखिए 7th वाले में है 5, 2, 6, 9, 8, हमसे पूछा कि विदाउट स्केयरिंग, स्केयर नहीं करना, बिना स्केयर बताइए कि लास्ट में क्या आएगा, व्हाट इज लास्ट डिजिट इज हियर, 8, आई विल फाइंड 8 स्केयर, 8 स्केयर इज 64, लास्ट डिजिट इज 4, सो हियर आई विल राइट 4 और वट एवर नंबर यू विल गेट, बट डेफिनेटली वंस प्लेस इज 4 ओनली। आई होप आपको इजी लगा होगा, रेस्ट क्वेश्चन में होमवर्क या क्लास वर्क लिख देता हूं। नेक्स्ट करते हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आ गया, कहता है कि भाई ये मैंने कंपिटेटिव एग्जाम में देखा था क्वेश्चन, कहता है भाई ये बताइए कि 2 कंजुकेटिव नंबर हैं, उनका स्केयर कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहा है कि एन स्केयर है और एन प्लस वन स्केयर है, उसके बीच में ये ट्रिक मैंने लिखा है कि 2n नंबर लाइज करेंगे। अब n तो मुझे समझ में आता नहीं, एग्जाम्पल से समझाता हूं, हमसे कह रहा है कि ये बताओ 2 का स्केयर है और 3 का स्केयर है, इनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। एक तो है बिल्कुल लेमैन मेथड, बिल्कुल क्या मेथड है कि भाई ये 2 का स्केयर 4 हो गया और 3 का स्केयर क्या हो गया 9 हो गया, अब इन दोनों के बीच में नंबर लिखते हैं, किस किस के बीच में, 4 और 9 के बीच में नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो पहला नंबर आएगा, इनको काउंट नहीं करेंगे, तो पहला आएगा 5, 6, 7, 8, हमारा आंसर आ गया कि 4 नंबर हैं टोटल जो इनके बीच में लाई करेंगे। पता है ट्रिक क्या है, ट्रिक ये कहता है कि n और n प्लस 1 का 2n है ना, यानी कि छोटे नंबर का डबल कर दो, 2 का डबल। कोई आपसे पूछे ना कि भाई ये बताइए 12 का स्केयर एंड 13 का स्केयर, इनके बीच में कितने नंबर हैं? देखिए 12 का स्केयर तो ऑब्वियसली एक मेथड तो क्या 144 होता है और 13 का स्केयर क्या होता है 169 होता है, इनके बीच में नंबर पूछ रहे हैं हमसे, तो आंसर मैं लिख देता हूं, जो छोटा नंबर है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा 24। भाई 12 और 13 में विच इज ए स्मॉलर, 12 है ना, तो आंसर विल बी 12। एग्री, इस केस में अगर आपसे कहूं कि भाई अगर आपसे कोई पूछे बिटवीन 25 and 25 square and 26 square के बीच में हाउ मेनी नंबर, तो 25 और 26 में छोटा क्या है, 25 है ना, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 इज द आंसर। ये मैं आपके लिए होमवर्क या क्लास वर्क छोड़ देता हूं। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10।
आई थिंक इसको मैं हर बार एग्जाम में देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्कर देता हूं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए, ट्रिपलेट वर्ड का मीनिंग होता है तीन, राइट? और पाइथागोरियन का मतलब होता है जो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करे। तीन नंबर अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। आप बोलो सर, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? देखिए, एक राइट ट्रायंगल अगर आपको याद है 7th क्लास में, तो राइट ट्रायंगल के बिल्कुल जो 90 डिग्री के अपोजिट है ना, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये जो साइड है इसको हमने कह दिया बेस, राइट? और ये जो साइड है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम हाइट भी है। अगर हमें ये तीन साइड दे रखी हैं, तो कहता है पाइथागोरस स्टेटमेंट बता रहा हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होगा सम ऑफ बेस का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों के सम के बराबर। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक ट्रायंगल मैंने बनाई है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। चेक करें। अब देखिए, इनमें सबसे बड़ा बड़ी साइड कैसे निकालोगे? हाइपोटेन्यूज बड़ी साइड है, बाकी ये दोनों परपेंडिकुलर बेस कुछ भी ले लो, तो इसका मीनिंग 10 का स्क्वेयर है। अगर वो 6 और 8 के स्क्वेयर के बराबर आ जाता है, तो ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। 10 का स्क्वेयर 10 × 10, 6 का स्क्वेयर 6 × 6, 8 का स्क्वेयर 8 × 8। 10 × 10 होता है 100, 6 × 6 = 36 एंड 64। वेल, यू आर ऑल एग्री विद मी कि दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब, इट मीन, मैं क्या कह सकता हूं कि भाई 6, 8 और 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी कि ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई करते हैं। ट्रिपलेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये तीन नंबर है, पेयर होते तो दो कहते ना हम। अब जो क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, वो बताता हूं आपको। क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन आया था कि भाई एक नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का दे रखा है और दो गायब है, वो दो नंबर निकालिए। ठीक है, मैंने ट्रिक क्या लिखा है, हर क्वेश्चन के बाद ट्रिक लिख रहा हूं मैं। ट्रिक क्या कहता है कि भाई, एक ट्रिक होता है कि अगर एम कोई नेचुरल नंबर है ना, तो 2m और m² - 1 और m² + 1, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। अब बच्चे कहते हैं सर, ये क्या चीज है पाइथागोरियन, मतलब एम और m², ये कहता है कि ये तीन नंबर हैं। ये पहला नंबर 2m है, m² - 1 है और m² में। मैं इस 14 को 2m के बराबर ले लेता हूं, एग्री? मैं क्या करता हूं, यहां पे 2m एक नंबर हुआ, m² - 1 दूसरा नंबर हुआ और m² + 1 है वो तीसरा नंबर हुआ। मैंने किसी एक में से 2m जो है वो 14 के बराबर ले लिया एक नंबर। सर, आपने 2m को 14 के बराबर ही क्यों लिया, इनको बराबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि इससे m की वैल्यू थोड़ा सा हमें रोंग आएगी। 2m बड़ा इजी होता है, इवन नंबर डिवाइड। यहां से मैंने m निकाला, 14 को 2 से डिवाइड किया, 7। ये जो m है ना, मैं यहां पे पुट करूंगा, m की वैल्यू 7 आई, तो 7 का स्क्वेयर -1 किया, 49 - 1 किया और आंसर आ गया 48। अब m यहां पे भी मैं पुट करूंगा, क्योंकि एम मेरा 7 आया ना, तो 7 का स्क्वेयर + 1 m² है ना, 49 + 1 और आंसर आ गया 50। सो देखिए, 1 इज 50, 2 इज 48 और जो थर्ड नंबर है ना वो 14 है। सो मैं यहां पे ट्रिपलेट पूरा लिख देता हूं। जो ट्रिपलेट है वो बन जाएगा, 14 तो दे रखा था, हमने क्या निकाला है, 48 और 50 निकाला है, ये आंसर है। अगर आप क्रॉस चेक कर रहे हो तो करके देखिए, 50 का स्क्वेयर बराबर होगा 48 स्क्वेयर और 14 का स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर होता है 2500, राइट? इसका स्क्वेयर आप करोगे, मैं यहां पे इसको लिख देता हूं। ओके, सो ये बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वेयर, आई होप आपको याद है, 196 के बराबर हो जाएगा। अब ये अगर आप करते हो तो 2304 इसका आंसर होना चाहिए, और मैंने इनको करा तो 2500, इट इज करेक्ट वन, हमने क्रॉस वेरीफाई करा है। गलती बताता हूं, कई बच्चे ना 7 को लिख देते हैं 14 की जगह पे, वो रॉन्ग होगा भाई। एक नंबर तो 14 दे रखा है, सो प्लीज मेक श्योर ये 14 ही आएगा, सेकेंड और थर्ड हमने निकाला है। आई होप दिस इज इजी वन। दीज क्वेश्चन आर योर क्लास वर्क, विच वन, बी पार्ट, 16 और 22। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज स्केयर एक्सरसाइज की लास्ट स्लाइड है, फिर स्केयर रूट स्टार्ट करेंगे। देखिए, मेथड्स टू फाइंड स्केयर्स, तीन मेथड है हमारे बुक में, यूजुअल मेथड, कोलम मेथड
और डायगनल मेथड। यूजुअल मेथड यानी कि भाई एक नंबर ले लेता हूं, तीनों से करके दिखाता हूं आपको। 34 लिया, 34 का स्क्वेयर करा, 1156 आ गया। ये मेथड हम कभी करते ही नहीं है, तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग मल्टीप्लाई करना है। कोलम मेथड देखिए, मैंने सेम नंबर का कोलम मेथड से करता हूं। देखिए नाम ही कोलम मेथड है, मैंने तीन कोलम बनाए, एक कोलम में ए स्क्वेयर लिखा, दूसरे में 2ab और बी स्क्वेयर। ये आपको एक आइडेंटिटी याद दिलाएगी, किसी बच्चे को अगर याद है तो, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। अब मैं क्या करता हूं, जो पहला है ना टेंस प्लेस पे, इसको मैंने ए माना है, और जो वंस प्लेस पे इसको बी माना है। तो यहां से मेरी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो पहला स्टेप है ए और बी की वैल्यू को निकालना। ए स्केयर है यानी कि मैं 3 का स्केयर करूंगा, 3 का स्केयर आ गया 9। ठीक है, अब मैं बाप से पूछू भाई नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉलम है हमारा 2ab। तो 2 और a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 3। b की जगह पे क्या लिखूंगा, यहां से b की वैल्यू आ गई 4। इनको मल्टीप्लाई किया, 24 आंसर आ गया। अब b की वैल्यू यहां 4 है, तो 4 का स्क्वायर करूंगा, ये आ गया आंसर 16। अब आंसर कैसे निकालते हैं, देखिए इसका वंस प्लेस ले लिया मैंने, 6 आ गया। ये जो आया ना क्या 1, ये कैरी होगा, इस 1 को मैं यहां लेके जाऊंगा और इसमें ऐड करूंगा, तो ऐड करा तो 25 आया। अब ये 5 आ जाएगा, इसका वंस प्लेस आ जाएगा। अब ये जो 2 है ना वो यहां पे कैरी होगा, 9 में 2 ऐड करूंगा 11, आगे तो है नहीं, तो पूरा 11 एज इट इज आ जाएगा। सो 1156 इज द आंसर। और ये मेथड 3 डिजिट में नहीं यूज करते हम, सिर्फ 2 डिजिट में। फिर आप बोलोगे सर 3 डिजिट के लिए क्या है, देखिए 3 डिजिट के लिए हम जनरली लेते हैं कोलम मेथड। कोलम मेथड आपको समझाता हूं मैं क्या है। कोलम मेथड कहता है, सॉरी डायगनल मेथड, डायगनल मेथड में सेम नंबर का करके दिखाता हूं 34 का। अगर 2 डिजिट है तो आपको क्या करना है, 2 कोलम बनाने हैं, 2 रो। अगर 3 डिजिट है तो उसमें 3 कोलम और 3 रो बनेंगे। पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं। 3-4 है, आपको इस तरह से 3 और 4 प्लेस करने हैं रो और कॉलम में। डायगनल मेथड नाम है, तो हर एक जो बॉक्स के डायगनल बना लीजिए। देखिए मैंने हर बॉक्स का डायगनल बना लिया, सो ये मैंने डायगनल कंप्लीट करा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करना बता रहा हूं आपको, मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं कैसे करते हैं। 3, ये 3 और ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो मैंने 09 लिख दिया बिकॉज सिंगल डिजिट है। नाउ व्हाट आई विल डू, दिस 3 एंड दिस 4 आई विल मल्टीप्लाई, आंसर इज कमिंग 12। तो 1 × 2, प्लीज रिमेंबर हाउ आई एम राइटिंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको कैसे फिल करेंगे इन दोनों को, ये वाला 3 यानी कि ये रो कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, 3, 4, 12, यानी कि मैंने 1 ऊपर लिखा, 2 नीचे लिखा। और नाउ इन दोनों को कैसे फिल करेंगे, यहां से 4 और यहां से आया रो में 4, तो 4 जा कितना होता है 16। आई थिंक आपका पहला स्टेप ओवर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आंसर देखिए, इस डायगनल के नीचे जो मेरा नंबर है वो 6 है, एक ही नंबर है, लेकिन इस डायगनल के नीचे अगर आप देखो तो मेरे पास क्या आया, 2 भी है, 1 भी है और ये भी 2 है। इनको मैं ऐड करूंगा, 2 + 1 + 2, और ये मेरा आया 5। एग्री। अब इस डायगनल के नीचे अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास नंबर आया 1, 9 और 1, यानी कि इनको मैं ऐड करूंगा, इस 4 को से आप कंफ्यूज मत होना, 1, 9 और 1, और आंसर आ गया 11। और इस डायगनल के ऊपर जो है वो देखिए, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी 0 है। तो आंसर बताता हूं आपको, आंसर कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप आपका एडिशन हो गया, उसके बाद जो आंसर निकालने का तरीका है, ये इस डायगनल के नीचे वाला डिजिट एज इट इज आ जाएगा, इसमें कैरी है ही नहीं, 5 एज इट इज आ जाएगा। देखिए यहां पे कैरी है, 1 एज इट इज आएगा, और ये 1 है ना ये आगे वाले नंबर में ऐड होगा, लेकिन 0 में 1 ऐड होगा तो 1 ही आएगा ना, और ये वाला 1 आ जाएगा। आपने नोट किया, तीनों मेथड से आंसर इज कमिंग सेम, कोलम मेथड, डायगनल मेथड, यूजुअल मेथड। आई होप स्केयर का आपका पार्ट ओवर हो गया है, क्योंकि स्केयर में अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे ना वो स्केयर रूट की बात करेंगे। तो मैं आपको एक्सरसाइज दे देता हूं इसके करने के लिए। देखिए 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अगर आप नोट करें तो ये पहला क्वेश्चन तो है कोलम मेथड, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में डायगनल है, तो डायगनल में 3 डिजिट आ सकते हैं। अगर 3 डिजिट आ गया तो मुझे 3 × 3 का कॉलम बनाना पड़ेगा। सेम करूंगा मैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 01, 1 को 9 से करा 09, 1 को 08, ये मैं फिल कर देता हूं 91 को
यानी कि 0 9, मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को 9 9 जा को करूंगा तो 81 आएगा, 9 8 जा को 72 करूंगा। आई होप ये चीज जो है आप खुद कर लोगे, मैं सिर्फ एडिशन आप पे छोड़ देता हूं इस डायगोनल के नीचे, ठीक है, इस डायगोनल के नीचे जो नंबर आया है, और इन दिस वे यू विल एडिशन, और प्रीवियस मेथड की तरह आपको एडिशन करके आंसर निकालना है। सो दिस इज योर क्लास वर्क। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की, बात करते हैं नेक्स्ट।